हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास शर्मा और स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है वन फॉर ऑल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गो आई वीबो ऐप की। इस ऐप को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप इसमें बुकिंग कर सकते हैं, कैसे आप जो है इसमें बुकिंग करने के बाद आपको ट्रैवल करना है और कैसे आप जा कर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है गूगल प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको टाइप करना है गो आई वीबो और यहाँ से इस एप्लीकेशन को आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इस एप्लीकेशन को पहले से ही अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो इसे हम यहाँ से सीधा ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, गो आई वीबो एप्लीकेशन जो है यहाँ से ओपन अप हो गई है और इसका इंटरफेस आप देख पा रहे हैं। अभी हम इस एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं है, तो यहाँ से आपको सबसे पहले जो है इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले लॉगिन बाय साइन अप पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे आपका नंबर पूछ रहा है, तो आप अपना मोबाइल नंबर इसमें एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया और उसके बाद आपको सिंपली जो है कंटिन्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मेरा जो अकाउंट है वो इसमें लॉगिन हो गया है। अब इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन दिखा रहा है, एक लिंक माई फोन बुक, दूसरा है स्किप का। आप दोनों में से जो भी ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी फ़ोन बुक को यहाँ पर लिंक कर ले, या आपके बहुत काम आएगी आगे। जैसे हमने लिंक माई फोन बुक पे क्लिक किया, उसके बाद हमारे पास ये पेज ओपन अप करके आ गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लोर बेनिफिट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली जो है होम बटन जो दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको ये पेज दिखने लग जाएगा। यहाँ से आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप जो है गो आई वीबो ऐप पर जो है होटल्स की बुकिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिख रहा है होटल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए, जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको जो है एक इंटरफेस ओपन अप हो गया है, जहाँ पे आपको एरिया लैंडमार्क या होटल का नेम जो है वो डालना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, सबसे पहले क्लिक करके आप कौन सी सिटी या कौन सी लोकेशन पे होटल देखना चाह रहे हैं वो यहाँ पे एंटर कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं जो है दिल्ली के लिए होटल देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर दिल्ली टाइप कर दूँगा और दिल्ली पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आप कब से कब तक के लिए देख रहे हैं बुकिंग, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए मैं 2 से 3 अक्टूबर एक दिन के लिए देख रहा हूँ, और कितने रूम और कितने अडल्ट के लिए आप देख रहे हैं वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप उसके लिए जहाँ पे रूम लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आप एक रूम चाहते हैं या ज़्यादा रूम चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो यहाँ से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आप एक ही चाहते हैं तो यहाँ से आप एक ही कर सकते हैं, और कितने अडल्ट आपको चाहिए। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं 2 अडल्ट के लिए बुकिंग देख रहा हूँ। अगर आपके पास किड है तो आप किड के लिए भी जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके चाइल्ड की एज जो है 0 से 12 के बीच में है, तो आप यहाँ पे उसकी एज बता सकते हैं कि कितनी है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप एज सिलेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए 11 मैंने सिलेक्ट कर ली है। अगर आप यहाँ पे और चाइल्ड ऐड करना चाहते हैं तो आप और ऐड कर सकते हैं, आप प्लस करिए और प्लस पे करने के बाद आप यहाँ पे दूसरे चाइल्ड की एज लिख सकते हैं। अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से और भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे चाइल्ड सिलेक्ट कर सकते हैं अगर उनकी एज 12 से कम है तो, और अगर आपके पास चाइल्ड की एज अगर 12 से ऊपर है तो वो अडल्ट में काउंट होगा, और फिर उसके लिए आपको अडल्ट जो अभी 2 किए हुए हैं उनको आपको बढ़ाकर 3 करना होगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं कोई भी चाइल्ड नहीं रख रहा हूँ। उसके बाद आपके पास ट्रैवल प्रेफरेंस दी गई है, गो सेफ, कपल्स, गो स्टेज, अगर आप इनमें से कुछ चूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सीधा डन पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से डन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है कि कौन सी जगह पे मुझे होटल चाहिए, कब से कब तक के लिए चाहिए, कितने रूम चाहिए और कितने अडल्ट होंगे। उसके बाद सिंपली जो है सर्च पे क्लिक करना है। देखिए, सर्च करने के बाद ये ऑप्शंस ओपन अप हो गया है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे बॉटम राइट कॉर्नर में लिखा हुआ है सॉर्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जो है चीपेस्ट फर्स्ट पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए, इस पर क्लिक करने से क्या होगा, आपके पास जो सबसे चीपेस्ट प्राइस के होटल्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ₹218 पर नाइट आपको दिखा रहा है। तो यहाँ से आप स्क्रॉल अप करके जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा होटल जो आपको पसंद है और आप कौन से होटल को बुक करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे बहुत सारे होटल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और लोकेशन भी आपको साथ ही इसमें दिखाता रहेगा कि आप कहाँ की लोकेशन के लिए जो है आपको होटल दिख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अपने स्पेसिफिकली एरिया चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे एरियाज़ का ऑप्शन भी है, आप देख सकते हैं 2nd नंबर पे लिखा हुआ है। आप एरियाज़ पे टैप करेंगे तो आप यहाँ से आप कोई भी एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप जो है बुकिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहाड़गंज, महिपालपुर, नॉर्थ प्लेस, चांदनी चौक, रोहिणी, आप जहाँ पे भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ के लिए आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चांदनी चौक के आसपास देख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे चांदनी चौक पे क्लिक कर दिया है। तो अभी 4 प्रॉपर्टी है यहाँ पे, शो फॉर प्रॉपर्टीज़ पे मैं क्लिक कर देता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हमने एक फ़िल्टर लगा दिया है कि चांदनी चौक के आसपास का हमें जो है होटल चाहिए। एक फ़िल्टर और यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सेफ़ रहना चाहता हूँ, मैं पेमेंट पहले एडवांस में नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि पेमेंट जो है मैं होटल पे जाने के बाद ही करूँ। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि एक ऑप्शन आपको दिखा रहा है पे एट होटल, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सिर्फ वैसे ही होटल आपको दिखाए जाएंगे जिन होटल्स की पेमेंट जो है आपको होटल में जाके करने की ज़रूरत है। आप उनको एडवांस पेमेंट अगर नहीं भी करना चाहते तो आप नहीं भी कर सकते। तो यहाँ से आपको ये सारे ऑप्शंस दिखा रहा है, आपको यहाँ से जो भी होटल पसंद आता है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे ये होटल अच्छा लग रहा है, होटल सार्थक पैलेस करोल बाग में है, 611 रुपये इसका प्राइस बता रहा है और यहाँ पर जो है मुझे पे एट होटल की फैसिलिटी भी मिल रही है। तो इसको ओपन अप कर लेते हैं। ओपन अप करने के बाद यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ है होटल की, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिव्यूज़ भी आप अगर स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको दिख जाएंगे, ये देखिए। उसके बाद आपको जो है अगर पसंद आता है तो आपको सिलेक्ट रूम पे जाना है। सिलेक्ट रूम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखा देगा, डिलक्स नॉन एसी विद फ्री वाईफाई, तो अलग अलग टाइप के जो रूम है इनके पास वो सारे आपको यहाँ पे दिखा देगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एट होटल की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ से जो है हम ये जो होटल का पे एट होटल वाला फ़ीचर है वो इस्तेमाल करते हैं और ये से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये रूम हमने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से इसका टोटल जो प्राइस बन के आया है वो है 1350 रुपीज़। यहाँ पे मेरा नाम नंबर पहले से ही डला हुआ है इसके अंदर, मैं इसमें अपनी मेल आईडी डाल के इसे जो है प्रोसीड कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने अपनी सारी डिटेल इसमें फिल कर दिया, प्रोसीड पे एट होटल पर क्लिक कर देते हैं और ये देखिए ये बुकिंग की प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गई है। ये देखिए पेमेंट डन हो गई है और ये बुकिंग भी मेरी इस होटल में हो चुकी है। अब मैं इस होटल के अंदर 2 से 3 अक्टूबर के बीच में जो है स्टे कर सकता हूँ। इसमें जो पेमेंट है वो है 1350 रुपीज़ जो मुझे होटल में जाने के बाद जो है पे करनी है। अगर आपने ये बुकिंग गलती से कर दी है या आपको ये होटल पसंद नहीं आया, अगर आपको बाद में कहीं से पता लगता है और आप इस बुकिंग को कैंसिल करना चाहते हैं, इन केस अगर आपका प्लान चेंज हो गया है और आप इस बुकिंग को कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा रहा है मैनेज बुकिंग का, व्यू मॉडिफाई और कैंसिल और बुकिंग फ्रॉम द माई ट्रिप्स पेज। आप जो है यहाँ से व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं बुकिंग वाउचर और आप इसे मॉडिफाई या कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे गो टू माई ट्रिप्स पे आपको जाना है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखिए माई ट्रिप्स मुझे लेकर के आ चुका है। यहाँ पे जो है आपको मॉडिफाई और कैंसिल का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल अप करना है, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है कैंसिल एंटायर बुकिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ये आपसे एक बार फिर से कंफर्मेशन लेना चाहता है कि आप कैंसिल करना चाहते हैं या नहीं, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। एक बार फिर से ये कंफर्म करना चाह रहा है तो आप फिर से कंफर्म कैंसिलेशन पर क्लिक कर दीजिए और ये कैंसिलिंग आपकी प्रोसेस हो गई है। और ये देखिए यू हैव सक्सेसफुली कैंसिल्ड योर बुकिंग। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप गो आई बी बुक के ऊपर जो है होटल सर्च कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं और अगर आपको प्लान चेंज हो जाता है तो आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको गो आई बी बुक ऐप के अंदर होटल बुकिंग कैसे करनी है ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है अभी गो आई बी बुक ऐप को लेकर के, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।